अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसान अरीफ और आप देख रहे हैं डीए एंटरटेनमेंट। डीए एंटरटेनमेंट देखने वालों को खुशामदीद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें सब्सक्राइब, लाइक कमेंट शेयर और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में जिनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा डाउन होगी। उनकी डाउन होने की वजह सिर्फ और सिर्फ डॉलर कम होना है। एकदम से 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, बल्कि सीधी सीधी 5 से 10 हजार उनकी प्राइसेस कम हुई है सिर्फ और डॉलर की प्राइस कम होने की वजह से। ऐसे कौन से स्मार्टफोन्स हैं जिनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो गई हैं, पहले उनकी प्राइस क्या थी और अब उनकी प्राइस क्या हो चुकी है, आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, उसको पूरा देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस स्मार्टफोन के बारे में बात की जाए जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा कम हुई, वो है ओप्पो A17, जिसकी एक्चुअल प्राइस थी 55,000 रुपए और 2 मंथ के बाद उसकी प्राइस 50,000 हो जाती है 4 GB और 64 GB रोम के साथ। और अब उसकी जो प्राइस है अगर हम ऑफलाइन किसी मार्केट से लेते हैं तो उसकी प्राइस में मिलती है 37,000 रुपए, यानी कि सीधी 13,000 रुपए इस पे कमी आई है। क्योंकि कहा जाता है शायद ये फोन जो है ओप्पो A17 शायद ये सेल नहीं हो रहा था, इन्होंने जो ओप्पो A17 था उसको बहुत ज्यादा मिकदार में बना के रख लिया था और बहुत ज्यादा सेल नहीं हो रहे थे, इस वजह से उन्होंने इसकी एकदम से 13,000 प्राइस कम कर दी। और कुछ लोग कह रहे हैं डॉलर कम होने की वजह से ओप्पो कंपनी को बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने एकदम से ओप्पो की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा 13,000 डाउन कर दी। अब ओप्पो का जो न्यू मॉडल है वो कैसा आएगा, उसकी प्राइस क्या होगी, ये आप चलेगा मैं बाद में ही। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडल आता है वो आता है इन्फिनिक्स Note 30 Pro। इन्फिनिक्स जो आज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहा है, बहुत ज्यादा अच्छे मॉडल्स तैयार कर रहा है। उनके कैमरास की बात कीजिए, उनके फीचर्स की बात कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ इन्फिनिक्स आ रहे हैं। इन्फिनिक्स Note 30 Pro की बात की जाए तो इसकी प्राइस जो है वो 85 के यानी 85,000 रुपए थी, उसके बाद एकदम से इसकी प्राइस नीचे आके 61,000 रुपए इसकी प्राइस आ गई है 8 GB और 256 वेरिएंट के साथ, और इसमें सिर्फ 10,000 रुपए की एकदम से कमी आई। इस बात की जाए 61 के पहले 85,000 की कीमत थी, 10,000 कम होकर 75,000 में मिल रहा था, उसके बाद उसमें भी कमी होकर 61,000 में ये फोन आ गया। अब इन्फिनिक्स Note 30 Pro जो है वो 61,000 में मार्केट में इजिली अवेलेबल हो रहा है। कहा जाता है जो इन्फिनिक्स जो है वो फोन वो आईफोन यानी कि आईफोन 15 आने के बाद इसकी प्राइसेस में बहुत ज्यादा कमी आई है। क्या आपको लगता है कि आईफोन 15 आने के बाद इसकी प्राइसेस जो स्मार्टफोन की प्राइसेस है वो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, या आईफोन और जो सैमसंग है वो बाकी फोन को अफेक्ट कर रहा है या नहीं, ये मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। सेकंड यानी थर्ड नंबर पे हमारे पास जो फोन आता है वो आता है आईटेल A60s। आईटेल A60s में कुछ इतनी ज्यादा कमी नहीं आई, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2,000 का कट लगा है और पहले इसकी जो एक्चुअल प्राइस थी वो थी 23,200 रुपए, मगर अब इसकी प्राइस जो है 4 GB और 128 GB रोम के साथ 21,200 रुपए जो है इसकी प्राइस हो चुकी है। आगे जो हमारे पास नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है वो आता है शोमी का स्मार्टफोन यानी कि रेडमी नोट 12 सीरीज में आता है हमारे पास फोन। उस पर 3 वेरियंट हमारे पास होते हैं, एक होता है 6 GB और 128 GB के साथ, एक है 8 GB 128 GB के साथ, एक है 8 GB और 256 GB के साथ। सिर्फ ये 6 GB और 128 GB का जो हमारे पास वेरियंट है वो गायब हो चुके हैं, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं हो रहा। कहा जाता है इसकी शॉर्टेज बहुत ज्यादा होगी क्योंकि बहुत ज्यादा सेल हुआ है, ये इसकी जो मॉडल है बहुत ज्यादा इनके लोगों को पसंद है, इस वजह से बहुत ज्यादा सेल हो चुका है। मगर 8 GB और 128 GB और 8 GB 256 GB के जो मॉडल्स हैं वो उनकी प्राइसेस की बात की जाए तो वो प्राइसेस हमारे पास जो आ रही हैं वो 65,000 पहले थी, फिर 60,000 भी आया, फिर 55,000 भी आया और अब हमें इजीली मार्केट में 52,000 में अवेलेबल हो जाएगा। और बात की जाए 6 GB और 128 GB वाले जो फोन की जो कि मार्केट से गायब हो चुका है, उसकी प्राइस थी 59,000, उसकी प्राइस में कोई कमी नहीं आई। वो मॉडल लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि लोगों ने उसको जल्द से जल्द जो है वो बाय कर लिया। तो आपको बताया मुझे आपको अच्छा सबसे अच्छा सेट कौन सा लगा और जो ये फोन में कमी आई है सबसे ज्यादा फोन में कमी आपको कौन सी अच्छी लगी और कौन सा मॉडल आपको फोन का अच्छा लगता है मुझे जरूर बताइएगा। साथ साथ बताएगा कि सैमसंग और आईफोन के फोन की अच्छी जो है कंडीशन के साथ, अच्छे मॉडल्स के साथ, अच्छी जीबी के साथ, अच्छे कैमरे के साथ क्या ये बाकी फोन को अफेक्ट कर रहा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, ये मोबाइल में कमी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।